पैर में बहुत दर्द हो रहा है गाइस। या ढीला नहीं छोड़ मन ऐसा करेगा तोड़ फोड़ दूं। तो तोड़ेगी क्या हाथ है? 1 2 3 4 चा 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 नहीं कर रही मैं। वेरी गुड पायल, कम ऑन मैं हेल्प करती हूँ। वेरी गुड, बस बोलू बस। नहीं नहीं, टू मोर, बस गोलू। वन मोर, बस गोलू। लास्ट मोर, बस हो गया गोलू। ठीक है हे प्रभु मुझे शक्ति देना। तो गाइस स्वेटिंग दिख रही होगी आपको इतनी ज्यादा, तो इसे बोलते हैं स्वेटिंग। इम्पॉर्टेंट इन जिम दिस, तो पसीना मेहनत होता है। स्वेटिंग योर पसीना। आप सब हो करते हो, आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू जिम वीडियो। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने, और अरमान जी गए हैं अपने, एक हमारा गाने का प्रोजेक्ट है उसकी डबिंग करने। तो आज वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जिम, तो मैं गोलू और लक्ष्य हम तीनों करने वाले हैं एक्सरसाइज आज। तो गाइस सबसे पहले करेंगे हम बॉडी को वार्म अप, स्ट्रेचिंग करेंगे और वार्म अप करेंगे दोनों एक साथ। पैर में बहुत दर्द हो रहा है गाइस। जिम में शुरुआत में ना आपको बॉडी स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है। बॉडी स्ट्रेच करोगे ना तब ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो ज्यादा अच्छे से करवाओ। पाल यार मेरे को स्ट्रेचिंग करवा दे यार। गोलू पीछे करने पड़ते हैं, ये पीछे करने पड़ते हैं ना। ठीक है यार, ढीला नहीं छोड़ रही हो रही स्ट्रेच। और क्या हो रही है? अच्छे से हो रही है? यस। पेन थोड़ा खत्म हो जाएगा। सांस ले जोर जोर से। चल ऐसे ना, तो आराम से हो रही है स्ट्रेच। मेरी बॉडी बहुत स्ट्रेचेबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। मन ऐसा करेगा तोड़ फोड़ दूं। तो तोड़ेगी क्या हाथ है? तो गाइस स्ट्रेचिंग के बाद मैं सीधा आ गई हूँ फिर क्रॉस ट्रेनर पे, और क्रॉस ट्रेनर करूंगी मैं कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट ये करूंगी, 15 मिनट करूंगी ट्रेडमिल, फिर मैं करूंगी थाई की एक्सरसाइज। तो गाइस पायल का 15 मिनट्स का जो क्रॉस ट्रेनर है वो हो गया कंप्लीट। तो नाउ इट्स माय टर्न, मैं कर रही हूँ 15 मिनट्स, और बहुत ज्यादा जरूरी है देखो कार्डियो ना, उससे आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ ट्रेडमिल पे, और मैंने 5 की स्पीड पे 11 इंक्लाइन किया है स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए। अब मैं दौड़ूंगी इस पे। वेरी गुड पायल, वेरी गुड। देखो जब साथ में कोई जिम करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलती है। अब मेरे 10 मिनट्स कब कंप्लीट हो गए मुझे पता ही नहीं चला, 5 मिनट्स बची है बस। अच्छा मैं समझ गई तू क्या कर रही है पायल। 1 2 3 4 चा 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 नहीं कर रही मैं, ये कर रही है स्क्वैट्स कर रही हूँ। अच्छा स्क्वैट्स कर रही है, ओके ओके। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, और अभी ना मैंने कोई भी वेट नहीं मतलब कि कैरी कर रही हूँ, और खाली रॉड पे कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वेट नहीं मारना चाहिए। तो इसके हम 3 सेट करेंगे और 25 की रेपिटेशन हर एक सेट में। 7 8 10 11 वेरी गुड। हाँ यार पाल, हाँ। चल शुरू शुरू कर कर, कितने रह गए? रुको मत ना। 19 है, चल कर कर कर, 6 रह गए। 20 ओह 21 ओह। सो गाइस अब पाल की टर्न है, वो पाल का एक्सरसाइज वेट है 5.5 kg ईच। लेट्स स्टार्ट, कम ऑन पाल। ओके 1 2 3 ओह ओह 21 वेरी गुड। 1 मोर 22 बस और नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक और एक और एक और कर। चल मैं हूँ 23 बस। चल चल या चलो। हाँ हाँ 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड 1 2 3 4 वेरी गुड। चल चल 15 16 17 बस कर कर 18 20 करूंगी 19 ओह लास्ट पायल, अभी 5 और है। 20 वन मोर चल। सो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी दोबारा से स्मिथ मशीन पे सुमो स्क्वाट्स। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। और आज ना मैंने शूज वेयर नहीं करे हैं। शूज वेयर क्यों नहीं करे? क्योंकि ना मुझे कल ना देखो यहाँ पे मुझे कल ना मेरे पैर पे चोट लग गई थी, ये नहीं पता कैसे लग रही है, तो इसलिए मैं विदाउट शूज एक्सरसाइज कर रही हूँ आज। तो गाइस स्वेटिंग दिख रही होगी आपको इतनी ज्यादा, टायर्ड हो गई ना, इतनी ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ मतलब कि ना, क्योंकि मेरे हिसाब से ना देखो मेरे लिए जो मुझे ऐसा फील होता है कि ना लेग और थाई का जो एक्सरसाइज है ना बहुत ज्यादा मेहनत वाली है। बाकी भी मेहनत लगती है बट लेग सबसे बड़ा मसल होता है, पर बहुत जान लगती है लेग के वर्कआउट में। ये कर दिया तो इसे बोलते हैं स्वेटिंग। तो मेरी जो टी शर्ट का प्रिंट है ना देखो ये पूरा छप गया। मेहनत करते है ना, बोलते है ना पसीने से क्या होता है, मेहनत आती है, मेहनत रंग लाती है। हाँ सॉरी, तो पसीना मेहनत होता है। पसीने क्या पाल बता दे, स्वेटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट इन जिम दिस, इन जिम दिस वेरी इम्पोर्टेंट स्वेटिंग योर पसीना।
कौन की करना वो? अब मैं सोच रही हूँ कि पंजाबी मैं सोच रही हूँ कि मैं स्मिथ मशीन पे एक और एक्सरसाइज करा। मैं की सी स्क्वाट सुमो स्क्वाट। तीसरी एक्सरसाइज मैं करांगी स्मिथ मशीन पे क्लोज वाली। तो लेट्स गो गाइज एंड आई विल डू द क्लोज स्क्वाट्स का। तो गाइज दिस इज क्लोज स्क्वाट्स ऑन स्मिथ मशीन। तो गाइस वेट मैंने बढ़ा लिया अपना क्योंकि ये मेरा लास्ट स्टेप है। हो हे प्रभु मुझे शक्ति देना। 1 2 3 1 2 9 10 ही करूँगी। 1 more 10। तो गाइस जिम के साथ साथ सोचा कि आपके कमेंट भी पढ़ लूँ। तो पहला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ राजपाल कौर का। वो लिख रहे हैं मेरे कमेंट कभी नहीं पढ़ते, मैंने कभी दिल से आपका बुरा नहीं सोचा। आपके सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपके व्लॉग्स देखकर खुशी मिलती है, प्लीज कमेंट पढ़ना प्लीज। तो राजपाल जी आज आपका जो कमेंट है वो हमने पढ़ लिया है, शायद आपको अच्छा लगे हमने आपका कमेंट पढ़ा है। और बिल्कुल आप हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपने हमारे सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, सारे व्लॉग्स देखते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ मैंने हमेशा ये है आराधना मिश्रा का। मैंने हमेशा कमेंट करती हूँ आप लोग कभी नहीं पढ़ते। तो आराधना जी आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, और यही कमेंट मेरे सामने आया और कोई कमेंट नहीं आया तो मैंने आपका यही वाला कमेंट पढ़ लिया ताकि आप बुरा ना लगे और हम आपको ऐसा लगे कि हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं, इसलिए आपका कमेंट मैंने आज निकाला है। सो गाइस जब तक पायल लेग कर्ल कर रही है क्योंकि ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, वैसे तो हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई है स्मिथ मशीन पर ही, तो ये 4th एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट कमेंट है वरणप्रीत कौर का 8154। आप एक्सरसाइज के ब्लॉग बनाया करो, हमें घर बैठे हेल्प मिलती है, मोटिवेशन भी। थैंक यू सो मच वरणप्रीत कौर। बिल्कुल देखो हमारा ना बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है मेरा अरमान जी पायल का, पर जितना भी हम कोशिश करते हैं ना कि हम जिम आ सके जब भी बच्चे सो रहे हो। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो 11 बज गए हैं ठीक है, और हम अभी यहाँ पे जिम आए हुए हैं क्योंकि अभी टाइम मिला है। तो बस ऐसे ही है, मोटिवेशन आप लोगों को देते रहेंगे ताकि जितनी भी लेडीज है जो मुझे और पायल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है वो भी हमें देख के ना जिम कर सके। तो यहाँ गोलू अपना पहला सेट कर रही है तो मैंने सोचा आपका कमेंट पढ़ लेती हूँ। तो कमेंट है फैमिली ब्लॉगर का, वो लिख रहे हैं मैं 11 साल बाद प्रेग्नेंट हूँ, मेरी जब हिम्मत टूट जाती है तो आपके व्लॉग्स देखकर खुद को हिम्मत देती हूँ, गॉड ब्लेस यू। आप 11 साल बाद जो है प्रेग्नेंट हुई है, भगवान करे आपका जो बेबी है वो सही सलामत इस दुनिया में आए और आपकी गोद हरी भरी हो जाए। और बस हम लोग यही करते हैं कि हम लोग सामने वाला जो हमें देख रहे हैं उसे थोड़ी बहुत मोटिवेशन दे सके, इसलिए जो है हम अपने सारे टाइम में निकाल के जिम जरूर करते हैं क्योंकि देखो हम लोग फिट रहेंगे तभी तो हम अपने बच्चों के लिए आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए ना हम बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के जिम करते हैं और हम इसलिए व्लॉग बनाते हैं कि जो लोग जिनके पास टाइम होता है पर वो लोग जिम नहीं कर रहे हैं तो वो अपना टाइम निकाल कर रहे हैं और उस खाली टाइम में जिम को दे, ताकि देखो जिम बहुत ज्यादा जरूरी होती है बॉडी के लिए। अगर आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो बहुत ही जल्द आपको जो है बुढ़ापा आ सकता है, मोटापा आ सकता है, तो वो सब चीजें अच्छी नहीं होती। इसलिए अपने डेली रूटीन में आप थोड़ा सा वर्कआउट, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते 1.5-2 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा पौना घंटा आपको जरूर करना चाहिए। तो नेक्स्ट कमेंट है ये, यहाँ पे उनका कुछ नाम नहीं है, यूजर करके आईडी, तो ये लिख रहे हैं पसीना आपके लिए बहाते हो, कोई दूसरे के लिए नहीं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, हम पसीना अपने आप के लिए बहाते हैं, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बॉडी फिट रहे, हम आगे और बहुत सारा काम कर सके। क्योंकि देखो हमारे 4 बच्चे हैं तो हम अपने चारों बच्चों को जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा सेव करना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आप को फिट करते हैं कि हम लोग जो है भाग भाग कर अपना सारा काम कर सके। तो बिल्कुल सही कहा आपने, हम आपके लिए पसीना नहीं बहाते, हम खुद के लिए पसीना बहाते। तो गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लेग एक्सटेंशन, जिसके हम 3 सेट करेंगे और 1 सेट में होंगे 25 रेपिटेशन। 4 5 6 चल शुरू कर। 1 पूरा पीछे तक ले जा। 2 3 4 पूरा पीछे तक ले गया। 5 6 पीछे तक ले गया। हाँ 7 वेरी गुड। 8 9 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड पायल, कम ऑन मैं हेल्प करती हूँ। वेरी गुड, बस बोलू बस। नहीं नहीं 2 more बस गोलू। 1 more बस गोलू। लास्ट मोर बस हो गया गोलू। ठीक है ठीक है, बतला रहे थे मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ। लग रहा है ऐसे, क्या हो गया? पैरों में दर्द हो। मेरे भी यार पैरों में दर्द हो रहा है। अब उतरोगे ना सीढ़ियों से? पायल एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो गई। पायल एकदम
क्रॉस ट्रेनर हो गई। तो गाइस आज का लास्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ। लास्ट कमेंट है पूजा चित्रिका, वो लिख रही है सलूट है आप लोगों को, मानना पड़ेगा सच में। व्लॉग्स करो रोज, बच्चा देखो, जिम करो, फार्म भी देखो। ओ माय गॉड, तो बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ये तो बात है बिल्कुल कि हम लोग अपने सारे काम जो है पूरे दिन, देखो आजकल ना दिन छोटे हो गए हैं क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आएंगी ना ऐसे ऐसे रात बड़ी हो जाएगी, दिन छोटे हो जाएंगे, और उस बीच में अपने ये चारों काम करना ना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे भी देखने होते हैं, फार्म भी देखना होता है, जिम भी देखना होता है, व्लॉग्स भी देखने होते हैं, घर का बाहर का सारा काम देखना होता है। तो ये बहुत देखो मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता है। जब हमने इतनी बड़ी टीम रखी है तो उनको संभालने के साथ साथ अपनी फिजिक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस इस कमेंट के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो।